हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉइसफिट लूप को कंपेयर करने वाला हूँ रियलमी वॉच 3 के साथ। और इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ मैं क्योंकि इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है और प्राइस में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो लोग जो है वो कन्फ्यूज है इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में, उनका कन्फ्यूज़न मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नॉइसफिट लूप से। तो इसमें आपको 1.85 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। रियलमी वॉच 3 में आपको 1.8 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही में जो पिक्सल्स है वो नॉइसफिट लूप में आपको 240x284 पिक्सल्स मिलते हैं एंड रियलमी वॉच 3 में आपको 240x286 पिक्सल्स मिलते हैं। नॉइसफिट लूप में आपको 550 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है एंड रियलमी वॉच 3 में आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। वही अगर देखा जाए नॉइसफिट लूप में तो इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है जो रियलमी वॉच 3 में नहीं दिया गया है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको जो है वो 2.5D का कर्व ग्लास देखने को मिलता है एंड नॉइसफिट लूप में आपको 200 प्लस क्लाउड बेस्ड जो है आपको वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जो रियलमी वॉच 3 में आपको 100 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर SpO2 सेंसर आपको मिल जाएगा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में स्लीप ट्रैकिंग मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग आपको मिल जाएगा दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। नॉइसफिट लूप में आपको ब्रीदिंग को जो आप ट्रैक कर सकते हैं जो रियलमी वॉच 3 में नहीं दिया गया है। बाकी दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का सपोर्ट मिलता है। नॉइसफिट लूप में आपको 130 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एंड रियलमी वॉच 3 में आपको 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं आप। स्टेप ट्रैकर आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में मिलता है। डिस्टेंस ट्रैक कर सकते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में एंड नॉइसफिट लूप को कंट्रोल करने के लिए नॉइसफिट ऐप का सपोर्ट मिलता है एंड रियलमी वॉच 3 में आपको जो है रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलेगा। नॉइसफिट लूप में आपको 390mAh का बैटरी मिलता है एंड रियलमी वॉच 3 में आपको 340mAh का बैटरी मिलता है। दोनों ही में आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलेगा। दोनों ही में आपको IP68 रेटिंग मिल जाता है। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाता है। दोनों ही में आप कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं, डायल पैड एंड रिसेंट कॉल्स वगैरह का ऑप्शन मिलते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको DND म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल वेदर अपडेट जो है आपको मिल जाएंगे। और नॉइसफिट लूप का जो प्राइस है वो 2499 रुपीज एंड रियलमी वॉच 3 का प्राइस है 3499 रुपीज। सो गाइज, इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप देख सकते हैं प्राइस में जो है आपको 1000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट अगर डिफरेंसेस देखे जाए इन स्मार्ट वॉचेस में तो आपको बहुत ही कम डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दो चीज़ जो है आपको रियलमी वॉच 3 में नहीं मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा रियलमी वॉच 3 में, जो नॉइसफिट लूप में दिया गया है। और दूसरा, इसमें आपको जो है वो फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया। मे बी हो सकता है बट कहीं मेंशन नहीं है तो मैं डिनोट कर रहा हूँ कि नहीं दिया गया है। और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का सपोर्ट आपको जो नॉइसफिट लूप में दिया गया है। बाकी दोनों ही में आपको बैटरी बैकअप वगैरह सेम मिलता है और डिस्प्ले में भी आपको जो है वो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बट जो रिफ्रेश रेट है वो आपको जो है ज़्यादा अच्छा मिलता है नॉइसफिट लूप में। बट प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो 1000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। तो इस प्राइस डिफरेंस में अगर आपको एक अच्छा प्राइस पे एक अच्छा स्मार्ट वॉच परचेस करना है तो आप जो है नॉइसफिट लूप के साथ जा सकते हैं इन कंपेयर टू रियलमी वॉच 3। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।